નાનપુરાની આરડી કોન્ટ્રાક્ટર સ્કૂલમાં સેલ્ફ ડિફેન્સ સેમિનારનું આયોજન થયું હતું. કરાટે સ્કૂલના શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની ટેકનિકથી માહિતીગાર કર્યા છે, જેમાં વિદ્યાર્થીનીઓ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓએ પણ સ્વેચ્છા માટે હાજરી આપી કરાટેના સ્ટેપ શીખ્યા હતા. जी माई सेल्फ फातिमा मैम फ्रॉम आर डी कॉन्ट्रैक्टर हाई स्कूल. एंड जैसे आप देख सकते हो कि आज हमने यहाँ सेल्फ डिफेंस सेमिनार एंड वुमन एम्पावरमेंट पे सेमिनार रखा है, जो आज के लिए आज के ज़माने में गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है और गर्ल्स ने पूरी तरीके से उसका फ़ायदा लिया है. टोटल 30 से मोर देन 30 स्टूडेंट्स आर हियर, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए अरेंज था इसकी वजह से. इसके बाद एक वुमन एम्पावरमेंट पे इवेंट होने वाला है जिसमें बॉयज़ हैड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा एज अ गाइड खुशी की बात ये थी कि जब मैंने अनाउंस किया तो बॉयज़ मेरे पास आके बोले कि मैम हमको ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, हाउ वी विल कंट्रीब्यूट ऑन दिस वन. और वो लोग भी एक्स करने वाले हैं. जी जी यहाँ जैसे आपने अभी जो सकीना मैम आए थे, उन्होंने जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई है, उन्होंने पर्सनली उन लोग को सबको सिखाई है. और जो लास्ट पॉइंट था जो उनको सेल्फ डिफेंस में सीखना था, जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस है और वो ये सब कुछ कर सकती है. उनको डोमेस्टिक मतलब घर में कुछ ऐसा हो या वो गली में जा रही है उनके पास ऐसा हो रहा है, स्कूल में आते वक्त हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेमिनार के बाद वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि वो लोग ये सब कुछ फेस कर सकते हैं. जी हमने सब ने मिल के कादर सर मैक्स सर ने इनिशिएटिव लिया कि हम ये इवेंट स्टार्ट करते हैं और बच्चों का फुल सपोर्ट रहा है मेरे साथ. दो दिन में ये इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया है एंड स्टूडेंट्स इतने क्यूरियस है कि मैम हमको, क्योंकि अभी जो ये सब कुछ जो इश्यू चल रहा है कि बॉयज़ को भी क्या है कि उनके ऊपर बहुत ही आक्रोश है और वो लोग अपनी जो कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये एक्ट में हम दिखा दें वो कि ऐसा ना हो. उनमें वो एक एंकरेजमेंट है, एंथुजियाज़म है कि हमको बताना है वर्ल्ड को कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स सच अ इनह्यूमन एक्टिविटी. मैं एक ही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ टू ऑल ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ इंडिया कि अपनी सुरक्षा खुद करो, किसी पे डिपेंड मत रहो. यू डोंट हैव टू डिपेंड फॉर योर डिफेंस. सेल्फ डिफेंस सीखो खुद से और खुद अप्लाई करो अपनी लाइफ में विद कॉन्फिडेंस. फिर किसी के मजाल नहीं कि आपको वो टच भी कर सके. मेरा नाम सेनपाई सकीना सेंसाई अली है और मैं इसका होम्बो इंटरनेशनल से बिलोंग करती हूँ. इसका इज़ एन इंटरनेशनल शोटोकन कराटे इंस्टीट्यूशन विच इज़ अंडर गोइंग ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट शोटोकन स्टाइल. इट इज़ अ जैपनीज स्टाइल.
ये करीबन 28 साल से इंडिया सूरत में चल रहा है एंड वी आर द अफिलिएटेड वंस. वी हैव आर हेड क्वार्टर्स इन केरला. हमारा हेड क्वार्टर केरला में है और ये चीज़ हम यहाँ पे अफिलिएटेड, वी आर अफिलिएटेड इन गुजरात, फॉर गुजरात. यस, फॉर लेडीज़ वी हैव कम अप विथ जुजुत्सु टेक्निक. जुजुत्सु नाम की एक टेक्निक है जिसको लॉकिंग टेक्निक बोला जाता है और ज़्यादातर अमेरिकन कॉप्स इसको यूज़ करते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस. यही टेक्निक हम लेडीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना कुछ हाथ में कुछ भी लिए हुए, या लाइक पेपर स्प्रे या मिर्ची की भूखी होती है और वो सब चीज़ें लिए बगैर भी आप दोनों हाथ और दोनों पैर से कैसे सिंपल वे में सेल्फ डिफेंस कर सकते हो अपना. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपका दुपट्टा है, आपकी पिंस है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, यही चीज़ हमको दिखाना चाहते हैं, यही चीज़ बताना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर अवेयरिंग देम अबाउट. सूरत में सर, नानपुरा में हमारा हेडक्वार्टर है एंड मैनी मोर देन 30 स्कूल्स आर अंडर अस फॉर दिस. वी गो फॉर कराटे एज वेल एज एरोबिक्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. वी हैव आर इंस्टीट्यूशन विच इज़ नोन एज इसका हुम्बू और यही चीज़ में वी आर डूइंग लाइक कराटे है, एरोबिक्स है, देन कैंपिंग एंड वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ़ यू कम टू आर सेंटर वील गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट. मैं मोहम्मद सर, RD कॉन्ट्रेक्टर हाई स्कूल से, और यहाँ पे आज हमने सेल्फ डिफेंस का सेमिनार अरेंज किया था. हमने कराटे स्कूल से मैम को इनवाइट किया था, जो हमारी बच्चे हैं 9, 10 और 11 की गर्ल्स, उसको आके सेल्फ डिफेंस के सारे टेक्निक्स बता सके. क्योंकि क्या है कि ये जो इशू चल रहा है बाहर भी आपको पता ही होगा, और हम मैं चाहता हूँ कि एडुकेशन में, स्कूल्स में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये एक मोरल एजुकेशन देना चाहिए. गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाना ही चाहिए. और आज हमने यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं, यहाँ पे बच्चों ने पूरा एक स्किड एक्ट किया है जिसमें वो लोग रेप विक्टिम्स के साथ कैसे होना चाहिए, क्या सुलूक होना चाहिए, क्यों ये इनह्यूमन एक्ट जो इतना शर्मजनक है, जो इतना घिनौना है, तो ये क्यों कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं, क्या लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं, वो हमने बच्चों के थ्रू भेजा है. और मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में ये मोरल एजुकेशन होना ही चाहिए स्कूल्स को. जो हैदराबाद में वो 4 रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ तेलंगाना पुलिस का, देखिए उसके लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ या एक्टिविस्ट नहीं हूँ, पर मेरा मानना ये है कि दो तरह के क्राइम होते हैं. एक, अगर किसी लड़की का हस्बैंड उसके ऊपर टॉर्चर करता है, तो वो अगर सेल्फ डिफेंस में मर्डर करती है तो उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, उसको सुधरने का दूसरा मौका दिया जाना चाहिए. पर ये जो रेपिस्ट है, ये इतना घिनौना काम करने के बाद, इतना शर्मजनक, जो इनह्यूमन है, मेरे ख्याल से कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता. अगर ऐसा काम करने के बाद भी अगर वो उसमें एंजॉयमेंट फील कर रहा है, उसको वो चीज़ अगर अच्छी लग रही है, तो ऐसे लोगों को एनकाउंटर किया जाना चाहिए, फांसी देनी चाहिए स्पेशली. और जैसे तेलंगाना पुलिस ने बताया है कि वो लोग वो रेपिस्ट को लेके वो वहाँ पे गए थे जहाँ पे ये हुआ था, और वहाँ पे वो रेपिस्ट ने भागने की कोशिश की और सामने अटैक करने की कोशिश की, तो फिर उसको एनकाउंटर करना ही चाहिए. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ पुलिस के साथ कि ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर होना ही चाहिए.